हेलो फ्रेंड्स, यह है मेरा फोरियर सीरीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो यह है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास कोई सिग्नल एक्स टी है, तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास है सी एन। एक सिग्नल आपके पास वाई टी है, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है आपके पास पी एन। यदि जो वाई टी है वो हो हमारा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ वाई टी है इसको हमको सी एन की टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये एग्जांपल। तो वाई टी हो गया आपके पास एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। तो जो वाई टी है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है आपके पास पी एन। यहाँ पे आप एक बार केवल एक्स ऑफ टी देखिए, यहाँ पे भी आप केवल एक्स ऑफ टी ही देखिए। तो जो एक्स ऑफ टी है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा आपके पास सी एन, और जो एक्स टी है यहाँ पे इसका भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास आएगा सी एन। अब यहाँ पे लगाइए आपने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा आपके पास माइनस जे ओमेगा नॉट एन टी नोट, और जो एक्स ऑफ टी प्लस टी नोट है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास होगा सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नोट टी नोट। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती है, अगर हमारे दो सिग्नल है, पहले का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास कुछ भी मान लीजिए, इसका भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपका कुछ, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों के एडिशन से तो हमारा नया सिग्नल बनेगा, और जो नया सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा वो आएगा हमारा इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है प्लस जो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है उसके बराबर। तो यहाँ पे क्योंकि हम पी एन फाइंड कर रहे हैं जो कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है वाई टी का, और वाई टी है दो सिग्नल का एडिशन, तो जो पी एन आएगा वो इन दोनों सिग्नल का जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो अलग अलग आएगा उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। ये बोलती है हमको लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी पी एन इक्वल टू हो गया आपके पास सी एन, इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे मैं सी एन कॉमन ले रहा हूँ, तो जे एन ओमेगा नोट टी नोट प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी नोट। तो ये हो गया आपका सी एन, इसको आप लिख सकते हैं टू ऑफ कोस एन ओमेगा नोट टी नोट। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे पी एन। तो आपने पी एन है उसको सी एन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जहाँ पे मान लीजिए कि जो एक्स टी है इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है आपके पास वो सी एन है, और जो वाई टी है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है आपके पास पी एन। स्टेटमेंट सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पर जो वाई टी है इस बार वो इक्वल टू है एक्स ऑफ वन माइनस टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी माइनस वन। तो यहाँ पे हमको जो वाई टी है उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पी एन है, तो हमको पी एन को सी एन की टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वाई टी है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पी एन, यहाँ पे आपको केवल एक बार एक्स टी ही देखना है। तो एक्स टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कितना जाएगा आपके पास सी एन, और यहाँ पे भी आप केवल एक्स टी देखिए और सब भूल जाइए, तो इसका भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा आपके पास सी एन। अब टी के अंदर आप प्लस वन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगी आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा जे एन ओमेगा नॉट, और टी की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो ये वन आ गया, और इसका आ गया सी एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस वन। अब टी की जगह आप माइनस टी पुट कर दीजिए। सबसे पहले आपने इसको केवल टी माना, इसको आपने केवल टी माना, तो उसका आ गया सी एन, इसका भी आ गया सी एन। फिर आपने टी के अंदर वन ऐड किया, यहाँ पे टी के अंदर माइनस वन ऐड किया, तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आ गया ये, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आ गया ये। इसके बाद में आपको टी की जगह माइनस टी पुट करना है, तो टी की जगह माइनस टी पुट करने का मतलब है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के अंदर एन की जगह माइनस एन पुट करना। ये मैंने आपको बताया था टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के अंदर, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। तो एन की जगह आपको माइनस एन पुट करना है, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सी ऑफ माइनस एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नोट। अब लगाते हैं हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार जो पी एन है वो हो जाएगा हमारा सी माइनस एन ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट प्लस सी ऑफ माइनस एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नोट। तो यहाँ से आप सी ऑफ माइनस एन कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास एन ओमेगा नोट प्लस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट। तो ये इक्वल टू हो गया आपके पास सी ऑफ माइनस एन
ये बन जाएगा आपका 2 ऑफ कोस ऑफ एन ओमेगा नोट। तो ये आ गया आपके पास पी एन, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सी एन की टर्म्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल जहाँ पे आपको सेम पी एन को सी एन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ये आपका सिग्नल वाई टी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको इसको ट्रीट करना है, इसका हो गया पी एन, इसको ट्रीट कीजिए आप केवल एक्स टी की तरह। तो एक्स टी का जो फोरियर सीरीज कोफिशियंट होता है वो होता है सी एन, यहाँ पर भी एक्स ऑफ टी का फोरियर सीरीज कोफिशियंट होता है सी एन। इसके बाद में आप माइनस थ्री से इसको शिफ्ट कीजिए, इसको वन से शिफ्ट कीजिए। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको बोलती है सी एन, इसको शिफ्ट किया हमने माइनस तीन से, तो ये हो जाएगा माइनस जे एन ओमेगा नोट, टी नोट की वैल्यू माइनस थ्री, तो ये माइनस मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया है। और इसके अंदर हो जाएगा ये सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नोट, यहाँ पे जो टी नोट है उसकी वैल्यू वन है, तो यहाँ पे आ गया प्लस वन। इसके बाद में आप टी की जगह माइनस टी पुट कर दीजिए, तो जो फोरियर सीरीज कोफिशियंट होगा वहाँ पे आप एन की जगह माइनस एन पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जे एन ओमेगा नोट, यहाँ पे थ्री यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और इसका हो जाएगा सी ऑफ माइनस एन ई टू द पावर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन की जगह माइनस एन, तो जे एन ओमेगा नोट। अब आपको लगानी है यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो जो पी एन आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑफ माइनस ई टू द पावर जे थ्री एन ओमेगा नोट प्लस सी ऑफ माइनस एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप सी ऑफ माइनस एन कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ई टू द पावर जे थ्री एन ओमेगा नोट प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट। तो ये आ गया आपके पास पी एन। तो ऐसे आप इस तरह के कोई भी एग्जांपल आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है, सबसे पहले एक्स टी लेना है, फिर टाइम शिफ्टिंग देनी है, और फिर टाइम रिवर्सल लेना है, और फिर अगर एडिशन के अंदर हो तो यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इस तरह आप वाई टी का फोरियर सीरीज कोफिशियंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फोरियर सीरीज जो कोफिशियंट है हमारा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।